तो जैसे जैसे दिल्ली में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजधानी में सभी प्रत्याशियों ने अपने काम के प्रचार प्रसार का काम तेज कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी अतिशी। अतिशी जी, यहाँ पर आप आई हैं आज आनंद विहार के जे कैंप में, किस तरह का आपको लोगों से रिएक्शन मिल रहा है और क्या लगता है जो सब लोग आए हैं वोटों में तब्दील मिल पाएगा? देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल निकल कर माला डाल रहे हैं, मिल रहे हैं, और सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि देखिए झाड़ू वालों ने काम किया है, अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, उसमें झाड़ू को ही वोट जाएगा, झाड़ू को ही वोट जाएगा। गौतम गंभीर को लेके आपने कई सवाल खड़े किए, अब कोर्ट ने आपसे कहा है कि और सबूत दीजिए ये प्रूफ करने के लिए कि आपको अगर लग रहा है कि वो गलत है, उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है, उस पर आप क्या करने वाली हैं? देखिए, ये तो इलेक्टोरल रोल में 2 जगह उनका नाम है, तो बहुत सीधी सी बात है, उन्होंने खुद मान लिया है, उनके कैंपेन मैनेजर ओपी शर्मा ने खुद मान लिया है कि उनके पास पुराना वोटर आईडी कार्ड कैंसिल करने का टाइम नहीं था। पर यही दिखाता है कि वो चुनाव को, लोकतंत्र को कितनी नॉन सीरियसली लेते हैं। 2 वोटर आईडी कार्ड होना हमारे देश में, बिल्कुल नकार दिया उन्होंने, कहा एक ही वोटर आईडी कार्ड है राजेंद्र नगर से ही, उन्होंने ये कहा मैंने अप्लाई नहीं किया है। अगर अप्लाई नहीं किया तो 2 जगह नाम उनका वोटर लिस्ट में कैसे आ गया? ना सिर्फ इस चुनाव में, 5 साल पहले वाली वोटर लिस्ट भी आप निकालिए तो उनका 2 जगह नाम है, एक करोलबाग में, एक राजेंद्र नगर में। अतिशय, आप किस तरीके से गौतम गंभीर को एक चैलेंज के रूप में देखते हैं? सेलिब्रिटीज को बहुत उतारा गया है इस बार प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में, तो और उनका इतना पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी नहीं होता, तो ये कहीं ना कहीं एक नॉन पॉलिटिकल चैलेंज हो जाता है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, गौतम गंभीर बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और उन्होंने देश को, देश का नाम भी रोशन किया है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि गौतम गंभीर को क्रिकेट भी खेलना है, गौतम गंभीर को कमेंट्री भी करनी है, तब वो साल में 250 दिन दिल्ली से बाहर होंगे, लंदन में होंगे, साउथ अफ्रीका में होंगे, वेस्ट इंडीज़ में होंगे, तो जो सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, अगर इनका खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए घर में, उन्हें एम्स में एडमिट करवाना हो, वो क्या करेंगे? वो लंदन जाएंगे क्या उनसे कागज़ साइन कराने के लिए? अगर यहाँ पे किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है, पुलिस वाले परेशान करते हैं, तो वेस्ट इंडीज़ जाएंगे क्या गौतम गंभीर से पुलिस स्टेशन में कॉल करवाने के लिए? सो दिल्ली की जनता को भी पता है कि देखिए, क्रिकेटर हैं, फिल्म स्टार हैं, बहुत अच्छी बात है, पर वोट हमें ऐसे लोगों को देना है जो हमारे लिए काम करते हैं। थैंक यू। तो ये थी अतिशी, पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी, जो इस वक्त आनंद विहार के जे कैंप में पहुंची हैं, यहाँ लोगों से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं, उनकी शिकायतें सुन रही हैं, और कह वो यही रही हैं कि सेलिब्रिटीज फिल्मी दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब लोगों की समस्याएं सॉल्व करने की बातचीत आती है या राजनीति की बात आती है, तो वहां पर वो कभी भी सॉल्व सक्सेसफुल नहीं हो सकता।